डॉक्टर उत्पल कांत सिंह फाउंडेशन के तहत अभी यहाँ पर रक्तदान शिविर लगा है और विक्रम के विधायक हैं सिद्धार्थ जी। अभी हम कुछ जानेंगे और पूछेंगे। तो डॉक्टर उत्पल कांत सिंह फाउंडेशन के तहत हो रहा है तो और क्या कहेंगे? ये फाउंडेशन डॉक्टर उत्पल कांत सिंह फाउंडेशन पिछले एक दशक से जी 10 साल से ऊपर समय से हम लोग लगातार ब्लड डोनेशन कैंप और आई कैटरेक्ट ऑपरेशन कैंप लगातार हम लोग लगा रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने अभी तक आँख का ऑपरेशन करवाया है और कितने बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर रक्तदान किया है। इस साल भी हम लोगों का लक्ष्य है 1,000 नौजवान इस उत्पल कांत सिंह फाउंडेशन के माध्यम से रक्तदान करें इस वर्ष में। तो रक्तदान सबसे बड़ा महादान है और सबसे बड़ी बात है कि एक भावना यहाँ पर प्रकट होती है। आज हम लोग जो रक्तदान कर रहे हैं ये जात पात की भावना, भेदभाव की भावना को समाप्त करता है। हम लोग कोई नहीं जान रहे हैं कि रक्त किसके मने यूज में आएगा, कौन आदमी से लाभान्वित होगा, किसी का जीवन बचेगा, मानवता की रक्षा होगी। और मानवता कोई सीमा में, जाति में, धर्म में बांधना संभव नहीं है। मानवता और परोपकार एक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और इस रक्त के दान से आज 100 नौजवान यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, 100 जीवन हम लोग बचाने का काम करेंगे। कितने सालों से ये रक्तदान शिविर लगा रहे हैं? 10 साल से लगातार हम लोग रक्तदान शिविर, आँख ऑपरेशन का शिविर लगातार लगा रहे हैं और निस्वार्थ भावना से, समाज को एकजुट करने की भावना से। और बहुत से ऐसे लोग हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, खून के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है, बीमारी रहता है, खून के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों को समय पर रक्त मुहैया कराना, उपलब्ध कराना हम लोगों का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का निवारण करने के लिए सारे नौजवान साथी यहाँ पर संकल्प करके उपस्थित हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और भी कोई कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, बोलिए। रक्तदान महादान है, इससे सभी लोगों के, सभी जाति के लोगों को कल्याण होता है। कभी भी कोई मुसीबत में फंसा हुआ हो, उसको रक्त की आवश्यकता होती है, तो हमारे माननीय विधायक श्री सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर उत्पल कांत फाउंडेशन की तरफ से हमेशा खून मुहैया कराने का। आप अभी रक्तदान दिए? हाँ, अभी दिए हैं। आपका जी क्या नाम? हाँ, मैं हरीश कुमार। हमारे डॉक्टर साहब बड़े भाई लगेंगे, हम उनको उनका शुरू से ही इस योगदान में ब्लड रक्तदान एक जीवन दाता है। मतलब ब्लड देने का मतलब है कि हम लोग शुरू से उनका श्रेय था कि गरीबों का उद्धार हो, एक्सीडेंट कर जाता है, मर जाता है, तो वो समय ये रक्त काम आएगा, रक्त काम आएगा। इसलिए बड़े पैमाने पर उनका ही ध्येय था। इसको हमारे विधायक सिद्धार्थ ने इसको वो पटल पर लाने का प्रयास कर रहा है। आपका जी क्या नाम है? मेरा नाम अंजनी कुमार विनोद है। अभी रक्तदान में? हाँ, मेरा कहना ये है कि समाज के लिए, सामाजिकता का जो ये न्यूज रखा गया है विगत 10 वर्षों से, रक्तदान, आँख का ऑपरेशन, कितने गरीब का, जैसे विधायक जी ने कहा कि 50,000 गरीब का आँख का ऑपरेशन हमने कराया रक्तदान से। जितने आज सैकड़ों हमारे सहयोगी रक्तदान किए, उनका भी परिवार सुरक्षित हुआ कि भगवान न करे जरूरत पड़े, उनको भी अगर होगा तो रक्त उनको मिलेगा बिना रक्त दिए हुए। तो ये सबसे बड़ा समाज का सहयोग का भावना है। क्या कह रहे थे? इधर आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कह रहे थे जी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हनी सिंह। और ये बहुत खुशी के बात है, आज हम लोग जैसे कि ऐसे युवा कर्मठ है विधायक विक्रम में पाकर हम लोग धन्य हो गए। आप अभी रक्तदान किए? हम तो किए हैं, और अगर अभी मौका मिलेगा तो और करेंगे, वो बात कह देते हैं। 243 विधायक पूरे बिहार भर में है, आज चुनाव आता है, बाइस्कोप लोग दिखाता है तरह तरह के, वोट निकाल के भाग जाता है बाहर, लेकिन हम लोग के बीच में आज ऐसा विधायक हैं कि चुनाव जीत जाने के बाद भी जनता के बीच में रहते हैं। आँख बनवाना है विधायक जी, बच्चा देखवाना है विधायक जी, और जनता लोग भी विधायक जी के लिए जब भी विधायक जी पुकारते हैं तो 24 आवर्स में कभी भी चलाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। विक्रम प्रखंड के चिचौड़ा गाँव मेरा घर। हाँ, हम तो अभी रक्तदान कर चुके हैं। यह एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हम लोग जो रक्तदान कर रहे हैं ये किसी भी व्यक्ति को, या किसी भी व्यक्ति को रक्तदान, रक्त मिलेगा वो फ्री में मिलेगा, कोई डोनेट के बदले
रक्त नहीं मिलेगा, यह इसी संस्था को हम लोग दान कर रहे हैं। फिर इसी संस्था में काम आएगा? हाँ, और इस संस्था नहीं नहीं, ये आम जनता के लिए है। बहुत से रक्त ब्लड बैंक जो होता है खून के बदले खून देता है, लेकिन यहाँ पर फ्री है। ठीक, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये देख रहे होंगे डॉक्टर उत्पल कांत सिंह फाउंडेशन के तहत हम अभी बात कर रहे थे, और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।